हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6, विच इज़ न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो सबसे पहले आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में यहाँ पे दिखाया गया है अनघा स्कूल ट्रिप। तो ये अनघा जो है वो पहली बार नए स्कूल में जा रही होती है, उसकी ट्रिप में जा रही होती है, स्कूल के ट्रिप में जा रही होती है पहली बार। तो उन्हें वो पुणे में जो रहती है, पुणे महाराष्ट्र में लेट नाइट, बट उन्हें जाना होता है वाराणसी में। उनकी स्कूल की ट्रिप होती है वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश में है। उसकी मम्मी जो होती है वो उसको स्टेशन तक छोड़ने आई थी। उसके टीचर ने बोला, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सरनाथ एज वेल। तो टीचर ने क्या बोला चिल्ड्रंस को बोला कि अभी ये बुद्धा की कहानी बताएंगे हम लोग आपको। तो मैं आपको अभी यहाँ पर बुद्धा की स्टोरी बताने वाली हूँ। तो गाइस, मैं भी आपको बुद्धा की स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे लिखी गई है बुद्धा की स्टोरी, तो क्यों ना मैं आपको एक बुद्धा की स्टोरी बताई दूँ। तो एक्चुअली मैंने स्टोरी बोल दिया, सॉरी, स्टोरी बता दूँ बुद्धा की। ओके, तो सिद्धार्था, जिसे हम गौतमा भी बोलते हैं, इस टाइम वो जो रैपिड चेंज हुआ हमारे लाइफ्स में पीपल, तो जब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा ही होगा, ये चैप्टर 6 है आई थिंक, हाँ ये चैप्टर 6 है। तो कुछ किंग्स जो थे, महाजनपदास, आपने पढ़ा महाजनपदास के बारे में, जो बहुत पावरफुल हो रहे थे। न्यू सिटी डेवलप, नई नई सिटी डेवलप हो रही थी, लाइफ चेंज हो रही थी विलेजर्स की। जो लोग गांव में झोपड़े में रहते थे उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। कुछ अलग सोसाइटी, लोगों के बैकग्राउंड, लोगों के वॉइसेस, लोगों के सोसाइटी सब चेंज हो गए। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। बट उनको क्या जाना था, उनको ये जाना था कि असली मीनिंग, सही मीनिंग, ट्रू मीनिंग क्या है हमारी लाइफ का। तो जो बुड्ढा था वो बिलोंग करता था स्मॉल गाना नोन एज सख्या गाना एंड वॉज अ क्षत्रिया। तो बुद्धा जो था वो बिलोंग करता था स्मॉल गाना से, मीन्स गन से, जो हम सख्या गाना बोलते हैं, जो वो क्षत्रिय था। ये पे आपको देखो, ये आप सोचो क्षत्रिय तो कुछ लिखा नहीं है, इट्स आपको आपको इसमें पढ़ने में क्या क्षत्रिय आप पढ़ रहे होगे ना, ये के जो है वो साइलेंट वर्ड है, तो दिस इज क्षत्रिय। ओके, व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो एक यंग मैन था, तो उसने उसका उसके घर छोड़ दिए थे, जो बुद्धा भगवान थे उन्होंने उसके उनको घर छोड़ दिए पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए। वो अलग अलग सालों अलग अलग चीज़ें ढूंढते रहे सालों तक, और बहुत सारे ही फाइनली डिसाइड द फाइंड हिज ओन पेथ। उसने फाइनली उन्होंने फाइनली उनका ओन पेथ फाउंड कर लिया। ओके, तो पूरे दिन रात वो मेडिटेशन करते थे, रियलाइजेशन करते थे पीपल के ट्री के नीचे। तो वहाँ पे बिहार में जो पीपल का ट्री था, बोध गया वहाँ पे। तो वो जो थे वो बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं, और या तो वाइस वन के नाम से जाने जाते हैं। ही धैन वेंट टू सरनाथ नियर वाराणसी। तो वो सरनाथ के पास गए, जो वाराणसी जो अब ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे पहले बार गए थे, उन्होंने पूरी ट्रैवलिंग की, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। ट्रैवलिंग ऑन फूट, गोइंग फॉर प्लेस टू प्लेस, उन लोग अलग अलग जगह पे जाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, और क्या यहाँ पे टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे कुशीनारा। उन्होंने पास किया तब तक वो टीचर को, सॉरी, टीचिंग करते थे, लोगों को समझाते थे कि ऐसा करना होता है, सत्य के राह पर चलना होता है, ये सब लोगों को बताते थे। जो बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। तो जो हमारी लाइफ है, लाइफ में क्या आता रहता है, हमारी लाइफ में कभी कभी हैप्पीनेस ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी अनहैप्पीनेस आ जाती है। तो उसे हमें छोड़ के उस जगह पे भागना नहीं चाहिए, उस लाइफ को जीना चाहिए, और लाइफ हमसे भागेगी दूर, लेकिन हमें लाइफ से दूर भागना नहीं है। उस
अनहैप्पीनेस को हमसे दूर भागेगी। वो अनहैप्पीनेस, अगर हम लाइफ को अच्छे से जिएंगे तो वो अनहैप्पीनेस, वो सफरिंग हमसे दूर भागेगी। अगर हम लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाए तो वो अनहैप्पीनेस हमारे पास ही रहेगी। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो एग्जांपल में जैसे मैं आपको बता देती हूँ, भगवान ने हर इंसान को सेम बनाया है। किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बनाया है, ऐसा नहीं। भगवान ने सबको सेम बनाया, सबको गरीब बनाया, सबको अमीर बनाया। बट वो अभी भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया, धरती पे हमें भेज दिया भगवान ने, तो हमारा काम है कि हमें कैसे चलना है, हमें पढ़ाई करना है या कुछ ऐसे ही बिना फालतू के काम करने। अभी हमने हमें जानना है कि हमें पैसे कमाने हैं या ऐसे रोड पे सोए पड़े रहना है। अगर हम पैसे कमाएंगे तो अच्छी खासी हमारे घर पे ये आएगी, पैसे आएंगे। और पैसे आएंगे तो क्या होगा, पैसे आएंगे तो क्या होगा, हम जो स्ट्रांग होंगे, हम लोग अमीर बनेंगे। तो वैसा अमीर कभी भी बात नहीं है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। भगवान ने हम सबको सेम बनाया, बट हमें क्या करना है, हमें भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया। अब भगवान देखते हैं कि ये इंसान कैसा है, कैसे चलाता है अपना घर, कैसे करता है ये इंसान, तो भगवान वो देखते हैं। फिर भगवान उसे अमीर से गरीब या गरीब से अमीर बनाता है। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल गिवन बाय मी। सो यू सी गुड ड्रीम्स एंड कंप्लीट योर ड्रीम्स। दिस इज द नोट फ्रॉम मी, दीपाली अमृतालू के। ओके गाइस, तो लेट्स द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट एंड तनहा। ही थॉट दैट दिस कंसेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। उसने पीपल को बहुत पढ़ाया, समझदारी से कराया, एनिमल्स के साथ रहे, बहुत सारे जंगल्स में रहे, और उन्होंने कर्म किए, चाहे वो लोगों की जान बच सब सब सीखते थे वो बुद्धा। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपान शाद्स। अपान शाद्स क्या होता है? तो अभी तो हर टाइम बुद्धा जो थे वो टीच करते रहते थे, समझाते थे, जंगल्स में रहते थे, तो वही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उनके माइंड में आते थे, उनके उनके आंसर्स ढूंढते थे। किसी को लाइफ से बचाया, किसी को डेथ से बचाया उन लोग ने, किसी को मरने से बताया, किसी को जीने से बचाया, हर एक इंसान को बचाया उन लोग ने। और वो बिलीव करते थे सत्य का, गॉड में बिलीव करते थे वो। और बहुत सारे आइडियाज़ जो है अभी उनके रिकॉर्डेड है अनपिशाच में, तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। वैदिक टेक्स्ट और ये सब जो है उन लोग करते थे, जो बुद्धा थे वो टोटली गॉड या सत्य में बिलीव करते थे। तो वो कन्वर्सेशन टीचर्स और स्टूडेंट्स करते थे। तो गांव के लोग, गांव के स्टूडेंट्स, गांव के छोटे बच्चे आते थे उनके पास, पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, अच्छे अच्छे आइडियाज, डायलॉग्स बताते थे। ओके, तो उन्होंने तक राजा ब्राह्मण से भी मिले हैं, और ये सब जो है उन्होंने लर्न किया है, ये सबको सत्याग्रह पे चलना सिखाया है। सच एज गर्गी हु, जिसने जिसने पढ़ा है, वो फेमस है लर्निंग में, जैसे वो पार्टिसिपेट किए थे रॉयल कोर्ट्स में, जो गरीब पीपल जो थे उनको सिखाते थे वो। एक फेमस जो एक्सेप्टेशन जो है सत्यकमा जबाला, जिन्होंने नाम है मदर, जो स्लेव वुमेन जबाली के नाम से है, तो उन्होंने डीप लर्न किया है बहुत रियलिटी में। ओके, तो वो स्टूडेंट ब्राह्मण टीचर थे नेम्ड एज गौतमा, और वो एक एक दिन बेस्ट सबसे अच्छे थिंकर्स टाइम के बन। तो उस टाइम पे जो वो गौतम थे, मतलब बुद्धा थे, वो थिंकर्स ऑफ टाइम बन गए में। तो बहुत सारे लोग जैन नाम के होते हैं, तो वो जैनिज्म, मतलब जो जैन नाम के होते हैं ना, जिनके सरनेम जैन होते हैं, वो उन लोग होते हैं जैनिज्म। ठीक है, जो लास्ट 24th तीर्थंकरा जो जैनाज होते हैं, या वर्धमाना महावीर, उन लोग ये मैसेज स्प्रेड करते हैं कि हर टाइम पे उन लोग जैसे 2500 ईयर पहले जो थे उन लोग क्षत्रिया लोग थे, और जो क्षत्रिय लोग तो पता था आपको क्या करते हैं,
हंटर्स वो सब होते हैं, फॉरेस्ट में जाके एनिमल्स को हंट करते थे। बट बुद्धा को वो सब पता पसंद नहीं था, तो बुद्धा उनका घर छोड़ के भाग गया। तो बुद्धा जो थे वो जैन जैन ही थे। उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्रिन बनाए मैंस वुमेंस को, और उनके विशेष ट्रू की बहुत सारे काम किए थे बुद्धा ने। जो महावीरा गौतमा खुद भी बोल सकते हैं हम उन्हें, या थिंकर्स ऑफ द टाइम भी बोल सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। उस टाइम पे वो थिंकर्स ऑफ द टाइम थे, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। वो क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने वाला कोई नहीं था, तो वो क्वेश्चन के आंसर उन लोग खुद ही सॉल्व करते थे पहले के जमाने में। ओके, इतना समझ में आया। और टीचिंग लोगों को पढ़ाते थे, इतना सब पता चला। सब कुछ ही करते थे अपना काम ये सब। अभी हम पढ़ते हैं संघा के बारे में। तो संघा जो जो महावीरा और बुद्धा जो थे, एक घर था उनका, ट्रू नॉलेज था, एसोसिएट्स थे, ठीक है। जो रूल्स बनाए थे उन्होंने बुद्धिस्ट का संघा में, जो बुक में लिखा गया है विनाया पिटाका, एक विनाया पिटाका नाम की बुक है। वो बुक आप पढ़ोगे तो आपको सब बुद्धा महावीरा या संघा के बारे में सब पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो विनारा पिटाका नाम की बुक है, वो आप पढ़ो। ओके, हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स एंड स्लेव दैट देयर मास्टर्स। उन जो बच्चे थे वो जाते थे उनके पास पढ़ने, उनके पेरेंट्स की परमिशन लेके। और दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड द टेक हिज परमिशन एंड डेप्टॉबिडर्स दैट ऑफ करजस वुमन हैड टू टेक देयर हर हस्बैंड परमिशन। सबको अपने अपने घर वालों की बड़े की परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, वाइफ को अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ मोनास्टर्स। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अभी। टू बिगिन विद, बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मोनास्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर पीपल को पढ़ाने के लिए। तो जो पहले के लोग थे वो गरीब लोगों को पढ़ाते थे, सत्याग्रह पे ध्यान देते थे, और उन लोग बड़े बड़े ऐसे घरों में नहीं रहते थे। उन लोग जंगल के चुनी क्या गुफा होती है वहाँ पे रहते थे। उन लोग शेल्टर बना लेते थे एक दो दिन के लिए, एक एक हफ्ते के लिए ऐसे बना के वहाँ पे ही रहते थे उन लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन लोग का बड़ा सा घर रहता था। उन लोग फिर जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे पढ़ा के, टीचर लोग जाते, वैसे वैसे नहीं, उन लोग जाते थे, फिर उन लोग हमेशा के लिए वहीं पे रह जाते थे उनके पेरेंट्स को छोड़ के। ओके, लोगों को पढ़ाने के लिए, फॉर टीचिंग द पीपल्स। ओके, सो दिस इज द लास्ट पेज आई थिंक, यस दिस इज द लास्ट पेज। और फिर हमारा जो इंडिया है वो आगे बढ़ता गया धीरे 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 इन लोगों के बजे बच्चे से। का बुक पढ़ना जरूर, आपको इस चैप्टर में आधा ही है, बट अभी हम क्लास 7th में पढ़ेंगे आगे। उन लोग जंगलों से खाना ढूंढते थे, क्लोथ ढूंढते थे, कुछ पैर में हाथ में उनकी तबीयत भी खराब होती थी, तो मेडिसिन भी उन लोग वहीं से ढूंढते थे। तब तो डॉक्टर्स कुछ थे नहीं, तो वहीं से पेड़ में से उन लोग खुद मेडिसिन बनाते थे। उन लोग ने मेडिसिन बनाए तभी हमारे को ये मेडिसिन काम आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है फिनिश हुआ। उन लोग आश्रम में रहते थे, उनके माँ बाप जो थे उनको आश्रम में भेज देते थे, ये सब जो बताया है मैंने अभी आपको। तो दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो अगर आपको स्टोरी मीन्स ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।